नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बस्तर लोकसभा क्षेत्र से जिन 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ना ही तो मैं किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और ना ही तो किसी राजनीतिक दल का बुराई कर रहा हूँ। इसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य है लोगों तक जानकारी पहुँचाना, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार के आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में टोटल 3 चरणों में मतदान होगा, जिसमें 11 अप्रैल को एक सीट पर, बस्तर का जो सीट है दोस्तों उस पर मतदान होना है, और वहीं दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 3 सीटों पर मतदान होगा, तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 7 सीटों पर मतदान होगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होगा। दोस्तों, अगर बात करें हम लोग बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए, तो 8 अभ्यर्थियों के द्वारा कुल 17 नामांकन दाखिल किया गया है। नामांकन पत्रों की जाँच 26 मार्च को की जाएगी, और जो जो उम्मीदवार हैं दोस्तों 28 मार्च तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। अगर खड़े हैं तो वो फिर से अपना छोड़ सकते हैं उस सीट को, नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। इस चरण में बस्तर संभाग के 5 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता 11 अप्रैल को मतदान करेंगे। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इस पहले चरण में 13,61,146 मतदाताओं को सुगम और स्वतंत्र मतदान कराने के लिए 1,878 मतदान केंद्र बनाया गया है। मतलब बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए बस्तर के 5 जिले आएंगे और इसमें 1,878 मतदान केंद्र बनाया गया है, और 13,61,146 मतदाता क्या करेंगे दोस्तों, अपने वोट का उपयोग करेंगे। इसमें जो पहले प्रत्याशी हैं दोस्तों वो है कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज जी। इन्होंने अभी हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ क्या किया, अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे उम्मीदवार हैं हमारे बीजेपी के बैदुराम कश्यप जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के साथ में क्या किया दोस्तों, इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। साथ ही साथ केदार कश्यप जी भी वहां पर उपस्थित थे। भाकपा से राम मौर्य ने भरा, जो कि सीपीआई के हैं। वहीं दोस्तों अखिल भारतीय समग्र पार्टी से मंगल राम कर्मा, बसपा से आयतू राम मंडावी, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से पनीस प्रसाद नाग, शिवसेना से सुरेश कवासी और राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से जयसिंह कावड़े ने भी नामांकन पत्र जमा किया है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वो डॉक्टर अय्यज फकीर भाई तंबोली मौजूद थे, और मंगलवार को स्क्रीनिंग के बाद 28 मार्च को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह क्या किया जाएगा दोस्तों, बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये टोटल 8 लोग थे जिन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइएगा दोस्तों कि आप किस नेता को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और ये जरूर बताइएगा कि आप किस नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र से जिताना चाहते हैं। थैंक यू।